2021 में शेरशाह के साथ सफलता का स्वाद चखने के बाद क्या 2022 सिद्धार्थ मल्होत्रा का साल होगा? खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उनके जन्मदिन पर शेरशाह द्वारा पिछले साल खुद को एक बैंकेबल लीडिंग एक्टर के रूप में स्थापित करने में मदद करने के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर में 2022 सबसे महत्वपूर्ण वर्ष कैसे बनता है, इस पर एक नज़र। साल 2022 में फिल्म इंडस्ट्री में सिद्धार्थ मल्होत्रा के 10 साल पूरे हो रहे हैं और इसके लुक से अभिनेता इस साल बॉलीवुड पर अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब तक के 10 वर्षों में सिद्धार्थ ने व्यावसायिक रूप से सफलता साझा की है, लेकिन यह 2021 था जिसने उन्हें नोट के एक बैंक योग्य स्टार में बदल दिया। जैसे ही वो रविवार को 37 वर्ष के हो गए, हम एक नज़र डालते हैं कि कैसे 2022 सिद्धार्थ मल्होत्रा का वर्ष होने का वादा करता है। 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर और 2019 में मरजावा में अपनी शुरुआत के बीच सिद्धार्थ 11 फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें दोनों शामिल हैं। और जब उन्हें कुछ मध्यम सफलता मिली तो एकल ब्लॉकबस्टर ने उन्हें छोड़ दिया। इसी तरह उनके प्रदर्शन को काफी हद तक सराहा गया, लेकिन महत्वपूर्ण सफलता अप्राप्य रही। यह 2021 था जिसने आखिरकार उन्हें देर से और एक ही फिल्म में दोनों दिए। उन्होंने शेरशाह के रूप में आलोचनात्मक प्रशंसा और एकल सफलता का स्वाद चखा। भले ही कोविड-19 महामारी के कारण सिनेमाघरों के बजाय अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई, यह फिल्म अभी भी सिद्धार्थ के करियर की सबसे बड़ी सफलता मानी जा सकती है। शायद इसकी सफलता का एक संकेतक यह तथ्य हो सकता है कि फिल्म की रिलीज के 2 हफ्ते बाद अमेज़न प्राइम वीडियो ने साझा किया कि शेरशाह मंच के इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने 1 सितंबर को एक बयान में साझा किया कि फिल्म को 4,100 से अधिक भारतीय कस्बों और शहरों के साथ साथ दुनिया भर के 210 देशों और क्षेत्रों में दर्शकों ने देखा है। यहां तक कि खुद सिद्धार्थ ने भी स्वीकार किया कि फिल्म ने उनके प्रति लोगों के नजरिए में बदलाव किया। पिछले साल पीटीआई से बात करते हुए सिद्धार्थ ने कहा था, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा काम ही मेरी पहचान हो और इसके लिए मेरी तारीफ हो। मुझे बहुत खुशी है कि लोग फिल्म में मेरे किरदार से खुद को जोड़ रहे हैं और कुछ महसूस कर रहे हैं। फिल्मों में काम करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं लोगों को उनसे जोड़ सकूं। शेरशाह ने मेरे प्रति लोगों का नजरिया जरूर बदला है। मैं जिस तरह का किरदार निभाना चाहता हूँ वो निश्चित रूप से लोगों के नजरिए को बदल देगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सिद्धार्थ का मानना है कि फिल्म की सफलता के बाद अब इंडस्ट्री का नजरिया भी बदलेगा। शेरशाह की सफलता ने मेरे लिए बहुत कुछ आसान कर दिया है। अगर मेरे पास भविष्य की किसी फिल्म के लिए कोई सुझाव या विचार है तो मुझे यकीन है कि निर्देशक और निर्माता इस पर विचार करेंगे। सिद्धार्थ ने अपने जीवन के 5 साल शेरशाह बनाने में लगाए, जिसने युद्ध नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी बताई। सिद्धार्थ ने स्वर्गीय परमवीर चक्र के साथ साथ अपने जुड़वा विशाल बत्रा को भी चित्रित किया। फिल्म को ध्यान में रखते हुए ए जेंटलमैन और अयारी जैसी असफल परियोजनाओं के बाद फिल्म ने सिद्धार्थ के करियर को पुनर्जीवित किया। उन्होंने पीटीआई से कहा, यह आपको इस बात की पुष्टि का एक बड़ा एहसास देता है कि आपकी प्रवृत्ति गलत नहीं थी। अब हम कह सकते हैं कि हमने जो भी निर्णय लिए वे सही दिशा में थे। यह संतोषजनक भावनात्मक है। अभिनेता के लिए यह साल गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो 2022 में 3 फिल्मों में दिखाई देने के लिए तैयार है, जो मई में रिलीज होने वाली रश्मिका मंदाना के साथ जासूसी थ्रिलर मिशन मजनू से शुरू होगी। इसके बाद जुलाई में रिलीज होने वाली अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के साथ कॉमेडी थैंक गॉड और नवंबर में दिशा पटानी और राशि खन्ना के साथ एक्शन थ्रिलर योद्धा होगी। यह स्लेट न केवल उन्हें पूरे साल दृश्यता प्रदान करता है बल्कि विविध फिल्मों में नजर आने का भी मौका देता है। 2 फिल्मों में वो एकमात्र प्रमुख है और तीसरे में वो बॉलीवुड में सबसे अधिक बैंक योग्य सितारों में से एक के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करता है। उनकी खातिर सिद्धार्थ चाहते हैं कि वे सभी सफल हों, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी शेरशाह का मतलब है कि अभिनेता ने खुद को बॉलीवुड में एक उच्च श्रेणी के सितारों के बीच स्थापित कर लिया है। खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।